जिस प्रकार की रैलियां हुई थी, केंद्र सरकार ने 2.5 वर्ष के अंदर विकास की जिन योजनाओं को लेकर के आम जनता के लिए कार्य किया था, और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी ने जिस प्रकार की रणनीति तैयार की थी, आज उसका परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत और आम मतदाताओं के द्वारा दिया गया आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत दे रही है। और हमें विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो रुझान अभी दिखाई दे रहे हैं, यह प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने में भी एकदम फलीभूत होंगे। इसलिए स्वाभाविक रूप से जनता एसपी कांग्रेस के गठबंधन को और बहुजन समाजवादी पार्टी को पूरी तरह खारिज कर चुकी है। उत्तर प्रदेश की जनता अब सपा बसपा या कांग्रेस के फर्जी नारों में नहीं आने वाली है। उन्हें वास्तव में विकास चाहिए, उन्हें सुरक्षा चाहिए, विकास जमा भेदभाव के चाहिए, और सुरक्षा भी उन्हें बिना भेदभाव के चाहिए।